ओम शांति। बाबा अपना धाम छोड़कर हमारे पास आया है हमें संपूर्ण पावन बनाने के लिए। इस माया रावण ने हमें अत्यंत दुखी कर दिया, इसने हमारा राज भाग्य छीन लिया, हमारा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया और फिर सुख शांति के लिए हम भटकते रहे, भक्ति मार्ग में तीर्थों पर जहां तहां कष्ट पाते रहे। बाबा आकर हमें पवित्र बना रहे हैं और जैसे जैसे हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी सब कुछ श्रेष्ठ होता जाएगा, धन धान भी भरपूर होता जाएगा, सुख शांति समृद्धि, परिवारों में प्रेम, निरोगी काया, इस सब कुछ प्राप्त होती जाएगी। तो हम प्योरिटी को आगे बढ़ाएं, ब्रह्मचर्य धारण करने के साथ देवहंस से न्यारे होने के लिए शरीरीपन की प्रैक्टिस करते चलें, ताकि कर्मेंद्रियों की वासनाएं समाप्त होते चलें। योग अभ्यास बढ़ाएं, कर्मेंद्रियों की वासनाएं की अग्नि इस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाए। ये वासनाएं भी बहुत बड़ी अग्नि है जो सब कुछ जलाकर नष्ट करती हैं, इन्हें योग अग्नि में ही जलाया जा सकता है। हम आगे बढ़े अपनी पवित्रता की यात्रा में, हमारे स्वप्न भी पवित्र होते चलें, संकल्प भी पवित्र होते चलें, हमारी वाणी भी पवित्र हो जाए और जब हम दूसरों के संबंध में आते हैं तो हमारी दृष्टि भी पूरी तरह पवित्र हो जाए। ये जो देह का आकर्षण है, ये जो विकारों का आकर्षण है, इससे हम स्वयं को ऊपर करते चलें, अपने से बात करें। इन देह के आकर्षणों में तो हम जन्म जन्म लिप्त रहे, क्या मिला, सब कुछ गंवा दिया। ये देह है भी क्या? अगर बाहर की सुंदर ये स्किन हटा दी जाए तो अंदर गंदगी के सिवाय कुछ नहीं। तो ये तो जैसे किचरे का डब्बा है, बाहर शोभा है, अंदर गंदगी ही गंदगी है, इसके प्रति हम आकर्षित क्यों हों? ये तो सांप है देह, मणि तो इसमें आत्मा है, हम इस आत्मा की सुंदरता को देखें, प्रैक्टिस करते रहें। ये देह तो विनाशी है, इस देह से कुछ नहीं मिलना है। आज जो देह सुंदर लग रही है, कल बीमार हो जाने पर, बाल झड़ जाने पर, झुर्रियां पड़ जाने पर, उसी देह में कोई आकर्षण नहीं रहेगा। हम तो आत्माएं हैं, आत्मिक दृष्टि को बढ़ाते चलें, देह के आकर्षण को हटाते चलें। जब हम दूसरों को आत्मा देखेंगे तो ऑटोमेटिकली देह का आकर्षण ढीला पड़ता जाएगा। घर में बैठकर भी चिंतन करते रहें, सब आत्माएं हैं, ये आत्माओं का खेल चल रहा है। बाबा से बातें करते रहें, बाबा हम संपूर्ण पावन बनकर इस प्रकृति को, इस वायुमंडल को पवित्र करेंगे। बाबा को संकल्प देते चले, वचन देते चले और बाबा से बात करें, तुम्हें वचन देकर हम वापिस नहीं लेंगे, बार बार ये दृढ़ता करते चले। परेशान न हो के वचन दिया था और टूट गया, वचन बार बार दें, क्योंकि हम सब जानते हैं, बाबा भी जानता है, ये पवित्रता की राह बहुत लंबी है, एक दिन में कोई पवित्र नहीं बनेगा। और अगर आपसे पास्ट में कुछ गलतियां हो गई हैं, अब वो अज्ञान की गलतियां थी, उन्हें विस्मृत कर अब आगे बढ़ें और सारा दिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। मैं तो पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं तो पवित्रता की देवी हूँ, मेरे पास तो पवित्रता की शक्ति है, मुझे तो सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। जिसको अपनी प्योरिटी को बहुत सुंदर बनाना हो, वो आत्मिक दृष्टि की धुन लगाते हुए सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस किया करें, तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता की देवी, पवित्रता का फरिश्ता हूँ या पवित्रता का सूर्य हूँ, और सबको आत्मा देखेंगे, और आत्मा देखते हुए सबको प्योर वाइब्रेशंस देंगे। जो भी हमारे सामने आए उसे हमसे पवित्र वाइब्रेशन से मिलें। बस आज ये धुन रहेगी, और जिन्हें संपूर्ण पवित्र बनना है ये लंबा काल ये प्रैक्टिस करें। ओम शांति।